हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरल वीडियो स्टूडियो के अंदर आप साउंड मिक्सिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, साउंड मिक्सिंग करना भी बहुत इजी है, बहुत ही मेरे को सम टाइम होता है कुछ साउंड मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है अपनी इस कोरल वीडियो स्टूडियो के अंदर। आप चाहते हो कि अपने साउंड या मिक्स करना चाहते हो, दो तीन सॉन्ग मिक्स करना चाहते हो, ऑडियो वगैरह या साउंड म्यूज़िक वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे और असल वीडियो की जो आवाज़ है उसको बंद करें और अपना अलग से एक साउंड लगाना चाहते हो मिक्सिंग करके, तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा साउंड मिक्सिंग, ये देखें यहाँ पे जो ये लाइनिंग वाली है, ये लिखा है साउंड मिक्सिंग। इसके ऊपर कर्सर लेके आया हूँ तो लिखा है साउंड मिक्सर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास मैंने एक ऑडियो सॉन्ग ऐड किया तो है, यहाँ पर अगर मौजूद हुआ तो, नहीं तो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड वो फोल्डर ऐड कर दिया, सॉरी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये वाले फोल्डर पे जाता हूँ और इसमें देखता हूँ कोई सॉन्ग मिल जाए। टेस्ट वीडियो कन्वर्ट नो, तो यहाँ पे मैं एक सॉन्ग इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने यहाँ से। गंदी बात, यह ठीक है, नहीं आएगा, साल हो गया और की समझावा। ये देख, ये मैंने एक साउंड ऐड कर लिया, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये वाला जो म्यूज़िक ट्रैक है इसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया, अब मैं प्ले तो नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि प्ले इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये आवाज़ मैच हो जाएगी, कॉपीराइट का भी मसला आएगा। लेकिन आपको जस्ट बताने के लिए काम करने लगा हूँ, उसके बाद मैं कोई और म्यूज़िक यूज़ करूँगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके, यहाँ पर लिखा होगा साउंड मिक्सर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। ये चीज़ है कि इसको मिसाल के तौर पर मैं अगर साउंड की करना चाहता हूँ तो साउंड यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस आती हैं। दूसरी के मैं म्यूट भी कर सकता हूँ, ये वीडियो के लिए है, पहले जो वीडियो ट्रैक होता है सबसे ऊपर वाला, अगर आप इस पर कोई वीडियो इंसर्ट किया उसके लिए है। और दूसरा आता है ये, अगर मैं म्यूट कर दूँ तो उनकी आवाज़ नहीं आएगी, पहले ट्रैक वाली और ओवरले ट्रैक, दूसरा ओवरले ट्रैक है, अगर उसके ऊपर उसकी आवाज़ मैं म्यूट करना तो उसको मैं ऐसे चेक लगा दूँगा और वह म्यूट हो जाएगी, ठीक है। वो आप वीडियो वाली आवाज़ नहीं आएगी, और ट्रैक वाले भी वाले टाइमलाइन के ऊपर जो आप वीडियो कोई प्रोजेक्ट है कोई साउंड है इंसर्ट करते हैं वो आवाज़ नहीं आएगी। ये माइक के लिए है, अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो इसको भी म्यूट करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो और कोई मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं स्पैरो वाला यहाँ पर ट्रैक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये ऊपर और नीचे भी कर सकता हूँ। अब मिक्सिंग का काम क्या होता है कि जब आप प्ले करोगे, देखें, ठीक है, ये प्लेइंग का, तो क्या करना होता है कि आपने ये, अगर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने माइक वाले पे म्यूज़िक इंसर्ट किया है इसकी चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये चेंजिंग आएगी, ठीक है। इसका मैं टाइमलाइन थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, ये पॉइंट है, ये जो लाइन है इसके ऊपर जब आप लेके जाओगे ये एरो का निशान बन जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसकी आवाज़ को, साउंड की आवाज़ को आगे पीछे भी कर सकते हो। देखें, ये एरो के निशान के जब बन जाता है, जब आप इस लाइन के ऊपर लेके जाओगे येलो के ऊपर एरो, इसके ऊपर क्लिक करें तो एक डार्ट बन जाएगा, डार्ट को आगे पीछे कर लें, इसके साथ भी एक डार्ट और बना लें। तो यहाँ पे ये दो तीन डार्ट कर लेता हूँ, देखें, ठीक है, ये तीन कर लिए। अब सेंटर वाले डार्ट को मैं नीचे कर लेता हूँ, ये सेंटर वाले, देखें, ये आवाज़ इस तरह कुछ रुख बन जाएगा, नया साउंड बन जाता है। नौ, दो पॉइंट लगाता हूँ, एक दो तीन, आप देखें, सॉरी, ये जो नीचे वाला, इस वैसे इसी तरह जब आप आएंगे, ये जो मैंने सबसे नीचे म्यूज़िक वाले पे किया है, देखें यहाँ पे ये माइक वाला, ये माइक वाले का सिलेक्शन है, और नीचे पर जब मैं क्लिक करूँगा नीचे वाले म्यूज़िक पे, उसके ऊपर भी ये लाइन है, देखें आवाज़ का रुख ही चेंज हो जाता है। ये देखें, यहाँ से मैं चेंजिंग करता हूँ, ये देखें, अब इसकी आवाज़ भी, अगर यहाँ से आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये आवाज़ चेंज हो जाएगी। ये म्यूज़िक मिक्सर के मिक्सिंग होती है, साउंड मिक्सर कह लें। ये देखें, अब क्या करना है, इसको नीचे कर लेता हूँ और नौ, इसको यहाँ पे, और इसको भी ऐसे, आवाज़ में कुछ चेंजिंग लानी है,
ये जो डॉट है इनको मैं देखें यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ा सा लोड ले रहा है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। आवाज़ में बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। एक दो तीन, इस तरह आप यहाँ पे तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मसला आपको बताने का मकसद है। ये देखें इसको आगे पीछे करेंगे ये डार्ट में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखें ये लाइनिंग आगे पीछे करेंगे तो आवाज़ में चेंजिंग आती जाएगी, ठीक है। तो इसको प्ले करूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्या होता है कि म्यूज़िक में ये म्यूज़िक मिक्सिंग के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अभी ये खाली जगह पे करके करता हूँ, देखें ठीक है। साथ में वो जो दूसरा म्यूज़िक मैंने ट्रैक ऐड किया वो रेडीमेड बने हुए हैं, इसके अंदर स्पैरो का वो मैंने इंसर्ट किया, वो उसकी मिक्सिंग हो गई है। तो आपने याद रखना है ट्रैक को जब मिक्सिंग करना है तो जिसके को मिक्सिंग करना है दूसरे की आवाज़ बंद करनी है वो भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे वीडियो पे जाता हूँ, वीडियो पे देखता हूँ कोई आर्ट म्यूज़िक पड़ा हुआ, ये वीडियो पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पर ट्रैक करके छोड़ देता हूँ। देखिए मैंने छोड़ा तो यहाँ पर भी ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसको भी प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आवाज़ अगर बंद करूँ तो अभी देखते हैं क्या करता है। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही, ये मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया, ठीक है। ये आता है वीडियो ट्रैक, अभी ये वीडियो ट्रैक है, इसकी भी आप यहाँ से भी आके आई थिंक सेटिंग कर सकते हो। देखें यहाँ पे भी मौजूद है, आवाज़ आप एंड डाउन कर सकते हो। ये थोड़ा सा मेरा ये देखें, यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो आवाज़ को, ये साउंड मिक्सिंग के लिए है। इस तरह आप जिसकी आवाज़ बंद करनी है उसको म्यूट कर दें, जिसकी नहीं करनी उसको ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और करें। यहाँ पे आपने कोई इंसर्ट किया, यहाँ पे म्यूज़िक इंसर्ट का या साउंड मिक्सर का बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो प्लेयर के नीचे, यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड मिक्सर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये एक सब इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जो काम करेंगे वो हो जाएगा। अगर आप इसका लहदा से करना चाहते हो राइट क्लिक करके इसका सेपरेट ऑडियो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी मौजूद है ऑडियो यहाँ पर, इसलिए कह रहा है ये नीचे वाला ऑडियो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस वीडियो का सेपरेट ऑडियो करूँगा, वॉइस वाला मौजूद है, सॉरी इसको नीचे ले जाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेपरेट ऑडियो करूँगा तो ये ऑडियो वाले पे अलग से होके आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। इसकी अलग से मैं यहाँ पे चेंजिंग कर सकता हूँ, देखें ऑडियो को मिक्सिंग कर सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर हो, ठीक है। ये देखें इसको यहाँ से पकड़ना है, ये देखें पॉइंट है, पॉइंट पहले आप इसको कर लें, ठीक है। आगे पीछे ऊपर आवाज़ ज़्यादा हो जाए, आवाज़ कम हो जाए, ये देखें ये सारी चीज़ें आप एकदम से कर सकते हो, आवाज़ आप एंड डाउन कर सकते हो। और ये मिक्सिंग का काम है, आप इसको आगे पीछे ये जो कर्सर है ये प्रॉपर्टी में आप दे सकते हो, इससे आवाज़ कम होती है, ये देखें ये आवाज़ कम और ज़्यादा होती है, और इससे आगे पीछे आवाज़ में फ़र्क होता है, थोड़ी कम अप एंड ज़्यादा होती है, डाउन होती है, और उसमें आवाज़ में फ़र्क आता है, ठीक है। और आप ये पॉइंट से भी आगे पीछे कर सकते हो, जिस जो आवाज़ आप बंद करना चाहते हो उसके ऊपर ये म्यूट का बटन है, ये स्पीकर उसके ऊपर क्लिक करें वो आवाज़ बंद हो जाएगी, जो नहीं है और रखना चाहते हैं उसको ओपन कर लें, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी साउंड मिक्सिंग कैसे की जाती है, और आने वाली वीडियो के बारे में बखबर है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साउंड मिक्सिंग आप करके एक अच्छा बना सकते हो अपने आवाज़ को, यानी सॉन्ग के अंदर या वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है साउंड मिक्सर, यहाँ पे आपको मौजूद है यहाँ पे साउंड मिक्सर, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, वहाँ पे आप इसके डॉट पे आपको मैंने बता दिया वो कैसे चेंजिंग करते हैं, आप करके अपनी मिक्सिंग करें। मैं गाना ये प्ले नहीं कर सकता, ये यूट्यूब पर मेरे वीडियो के लिए मसला बन जाता है, कॉपीराइट वो ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको प्ले नहीं कर रहा, साढ़े ये जो सिंपल साउंड है इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सॉन्ग को वीडियो जो सॉन्ग है इसको मैंने प्ले नहीं किया इसलिए।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।